एक प्याली चाय पिला दो, किसी ने सही एडवर्टाइजमेंट बनाया है। एक्चुअली में अगर कोई एक प्याली चाय दे दे, उससे अच्छी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। स्पेशली जो लोग चाय पसंद करते हैं, उनके लिए तो चाय सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। किसी भी टाइम उनको चाय का कप पकड़ा दो भाई, चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, दिमाग दौड़ने लगता है। क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा चाय पसंद करती हूँ, इसीलिए मैं ये फीलिंग आप लोगों को शेयर कर पा रही हूँ। तो और चाय तो वैसे कई तरह के होते हैं, हर सीज़न का अलग अलग चाय होता है। वैसा ही बरसातों का सबसे अच्छा चाय जो लगता है पीने में, वो है मसाला चाय। मसाला चाय वैसे सभी हम बनाते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें मैं आपको दिखा रही हूँ, उसको फॉलो करिएगा, देखिएगा। नेक्स्ट टाइम आप जब चाय बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा उस टिप को अगर आप फॉलो करते हैं। मैंने भी ऐसे रोड साइड भैया को चाय बनाते हुए देखकर ही ये सीखा है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप सबके साथ ये शेयर किया जाए। सबसे पहले हम लेते हैं 1 कप दूध और 2 कप पानी। आप चाहो तो 1 कप दूध 1 कप पानी भी ले सकते हो, लेकिन मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ 1 कप पानी और 1 कप 2 कप पानी और 1 कप दूध। आज हमारे यहाँ बहुत तेज बारिश है। अब इसको हम तेज आंच पर उबलने के लिए रखते हैं और इसमें डालेंगे हम अदरक और छोटी इलायची। अदरक और छोटी इलायची को आप कूट कर डालेंगे। अदरक को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं और छोटी इलायची को कूट कर डालेंगे, खोल कर नहीं डालेंगे हम। खोल कर डालने से उतनी अच्छी खुशबू नहीं आएगी जितना कि आप अगर इसको कूट कर डालेंगे, उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। आप जो भी चीज़ डालोगे चाय में, उसको अच्छी तरह कूट कर डालेंगे। अब चीनी भी हम इसी टाइम दे देंगे, क्योंकि चीनी किसी चीज़ में भी अगर डालते हैं ना, वो चीज़ पतला करती है। अगर दूध में भी आप चीनी डालेंगे तो दूध थोड़ी लाइट हो जाती है। अगर उस दूध में चीनी डाल के आप उबाल लेंगे तो वो चीज़ वापस उसी प्रोपोर्शन में आ जाती है। तो इसीलिए चीनी आपको जितना लेना है चाय में, अगर नहीं लेना है तो अलग बात, जितना लेना है आप इसी टाइम डाल देंगे। और इसको हम 1 से 1.5 मिनट धीमी आँच पर इसको पकाएंगे। इसलिए उबलने देंगे इसको कि जो हमने अदरक, इलायची जो भी डाला है, चीनी, वो स्मेल अच्छा आ जाए और फ्लेवरफुल हो जाए हमारी टी। अब 1.5 मिनट इसको उबलने देते हैं और आप इसको छोड़ेंगे नहीं, चम्मच से हिलाते रहेंगे, क्योंकि अगर हम छोड़ देंगे वो उबल के गिरेगा। इसलिए सामने खड़े होके ये चाय बनानी पड़ती है। वैसे तो दूसरी चाय जो होती है, दार्जिलिंग टी ले लीजिए, ग्रीन टी ले लीजिए, उसको तो बस गर्म पानी में पत्ता डाल दिया, चाय पत्ती डाल दी और उसको ढक दीजिए 5-10 मिनट के लिए, फिर हल्का गर्म करके छान के पी लीजिए, वो भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मसाला चाय आपको खड़े होकर बनाना पड़ेगा। अब ये देखिए, मैंने पूरा 1.5 मिनट इसको खड़े होके हिला के मैंने इसको उबाला है। अब हम इसमें डालेंगे अच्छी तरह ये उबल गई है और खुशबू बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मेरा तो मन हो रहा है कि जल्दी से चाय बन जाए और मैं चाय पी लूं। अब चाय जैसे हमारी उबल चुकी है, अब हम इसमें चाय पत्ती डालते हैं, क्योंकि चाय पत्ती डालने के बाद भी 1-1.5 मिनट तक इसको उबालना पड़ेगा। मुझे रोड साइड चाय पीने में बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली कुल्हड़ वाली चाय। मैं जो प्रोपोर्शन चाय पत्ती डाल रही हूँ, 1 कप में 1 चम्मच। आप अगर और कड़क चाय पीते हैं तो 4 चम्मच डालिएगा और अगर लाइट पीते हैं तो 2 चम्मच डालिएगा। अब 1-1.5 मिनट और इसको उबालते हैं।
जैसे आप चाय उबल रही है इसी तरह से आप चाय को उबालेंगे, तभी वो टेस्ट आएगी, वो फ्लेवर आएगा जो हमने इसमें लाने की कोशिश करी है। अब इसको हम 5 मिनट के लिए ढक के रखते हैं। 5 मिनट बाद हम इसको छान के फिर हम इसको मैं चाहिए चाय पीने। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़